नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए मैंने किडनी यानी कि जो आपकी गुर्दे होते हैं उनको साफ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक वीडियो दिया था जो आप सभी को बहुत ही पसंद आया है। और उसी वीडियो में आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम किडनी को चलिए ऐसे साफ़ कर सकते हैं, अगर हमें लीवर को साफ़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो घर पे इजीली अवेलेबल सामग्रियां हैं उनसे, जिसको यूज़ करके दोस्तों आप अपने लीवर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर क्या है और वो हमारे शरीर के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, लीवर यानी कि जो जिगर है आपके दाहिने तरफ मिलता है, आपका जो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहाँ पे मिलता है। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने लीवर को स्वस्थ और अच्छे से फंक्शन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा तो आपको तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों जो लीवर है अपने शरीर में या हमारे शरीर में सारी बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, इवन आपके शरीर के जो टॉक्सिक जो जहरीले विषैले पदार्थ हैं उन सभी को आपके शरीर से बाहर निकालने में कार्यरत रहता है या उसको करने में मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। लीवर अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, या फिर एट द वर्स्ट कंडीशन हेपेटिक यानी कि लीवर कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कुछ ऐसे जूसेस जो आप आराम से घर में बना सकते हैं और उन जूसेस को अपने आप यूज़ करके अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप उसको अपने डाइट में ऐड ऑन कर लें, अपने लाइक रूटीन में शामिल कर लें, तो आप अपने लीवर को इन तमाम बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब भी आप देखें कि आपको एक दाहिनी तरफ थोड़ा सा हेवीनेस सा बना रहे, भारीपन महसूस हो आपके पेट में, आपको आपका पेट साफ नहीं रहता हो, आपको पेट फूला फूला सा लगता हो, बदहजमी बहुत ज़्यादा लगे, खट्टी डकार आती सी लगे, पेट में जलन सा लग रही हो, मोशन सही नहीं रहता हो, या तो कॉन्स्टिपेटेड हो या बहुत फ्रीक्वेंट मोशन रहता हो, आपको बीपी परेशानी शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होने लग जाए, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा जैसे शरीर में एक हीट सी महसूस होती है, गर्मी लगे, पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, थोड़ा सा खाना खाया बिल्कुल पेट फूला फूला सा लगने लगे, हाथों के शरीर की स्किन का कलर बदलता हुआ सा लगने लगे, साथ ही आपको यूरिन थोड़ी सी डार्क और ऑफेंसिव सी लगने लगे, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं अगर आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं तो आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देख सकते हैं। हो सकता है आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा हो, अल्ट्रासाउंड करा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहीं फैटी लीवर परेशानी ना हो रही हो, लीवर में सूजन ना हो, ये तमाम परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन जूसेस के बारे में कि ऐसे कौन से जूसेस हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस लीवर जूस को लेने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसी करनी है दोस्तों, आप जब भी ये जूसेस लेना चाहते हैं तो एक दो दिन आप थोड़ा सा हल्का भोजन करें या उपवास करें, कोशिश करें सिर्फ हरी सब्जियां, हल्के भोजन, बहुत ही तेल मसाले वाले रहित भोजन लें, जूसेस ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, तो इस और आपका लीवर टॉक्सिक फ्री होने के लिए या डिटॉक्सिफाई होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले जूस की हम बात कर लेते हैं, इस जूस में आपको क्या क्या सामग्री मिलेंगी आप उसको देख लें। सबसे पहले आपको चाहिए लौकी, लौकी के साथ आपको चाहिए हल्दी, धनिया, गिलोय और काला नमक।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लौकी लें, एक बड़ी लौकी लें जिसमें लगभग 1 गिलास जूस आपका निकल आए, और उसके लिए आपको लगभग 50 ग्राम लगभग आप धनिया ले लें, क्योंकि पिछली बार मैंने अनुपात नहीं बताया था तो लोग कंफ्यूज थे। आप इतनी बड़ी लौकी लें कि 1 गिलास जूस निकल आए। धनिया आप इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लें या उसका जूस निकाल लें, कि दोनों मिला के आप जूस निकाल लें। अब जब 1 गिलास जूस आपका निकल गया है, उसमें आप 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच आपको नींबू का रस डालना है। इन सबको अच्छे से मिला लें, और लगभग 30 ml गिलोय का रस आपको मार्केट में दोस्तों बहुत आसानी से मिल जाएगा। गिलोय का रस ले आएँ और उसको अच्छे से मिला लें, और वो पूरा 1 ग्लास आपका जूस बनके रेडी है आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए। अब आपको इसको लेना कैसे है ये जान लें दोस्तों। इस जूस को जो आपने प्रिपेयर किया है, इसको आप सुबह में खाली पेट लें, और आप इवन शाम में खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। ये आपके लीवर को ना सिर्फ डिटॉक्सिफाइड करेगा, विषैले तत्वों को बाहर करेगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इस पेय को दोस्तों आप 2-3 दिन तक लगातार ले लें, और हर 6 महीने में ऐसा रिपीट करते जाएं, और आप देखेंगे दोस्तों आपके लीवर का जो पूरा टॉक्सिसिटी है वो निकल गई है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथिंग फील होगी, जो आपको मैंने सिम्टम्स बताए थे आगे कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग कंडीशन, ये जितनी लग रही थी ये सब लगना धीरे 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 बंद होती जा रही हैं। तो ये एक पेय हो गया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा पेय है, इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 3 सामग्रियों की ज़रूरत है, जिसमें है गाजर, आंवला और सेंधा नमक। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों इतनी गाजर लें कि आपका लगभग 150 ml, 1 ग्लास से भी थोड़ा कम ही आप माने, क्योंकि लगभग 1 गिलास जो है वो 200 ml तक का होता है, तो छोटा ग्लास बढ़ जाए इतना हो, उतना आपको 150 ml लगभग आपको गाजर का जूस लेना है। उसमें आप लगभग 30 ml तक आंवले का जूस मिलाएं। अगर आप घर पे नहीं निकाल पा रहे, मार्केट में पतंजलि का और बहुत सारे एरियाज में आंवले का जूस मिलता है, आप उसको मिलाएं, और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करें, और नाश्ता करने के बाद, आप जब सुबह का नाश्ता करते हैं उसके बाद इस पेय को 1 ग्लास ले लें, लगातार 1 हफ्ते तक लें दोस्तों। ये सिर्फ ना कि आपके लीवर की को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, ये आपके लीवर की सूजन को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपका जो लीवर डिसफंक्शन हो गया है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, उसको सही करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो आप इसको 1 हफ्ता लगातार लें, उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद से वापस से रिपीट करें, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। तीसरा पेय है दोस्तों, जिसमें आपको पालक और चुकंदर और थोड़ी सी काली मिर्च यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पालक लेना है, पालक का जूस निकाल के लगभग 100 ml जूस पालक का निकाल लें, और उसमें लगभग 30 ml तक चुकंदर का जूस डालें, और उसमें बस एक पिंच आप उसमें जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है उसको डाल के खाना खाने के बाद आप इसको पी सकते हैं, और 1 हफ्ते तक लगातार लें दोस्तों। ये सिर्फ ना आपके लीवर को ठीक करेगा, आपके शरीर में खून की कमी को भी ठीक करेगा, और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उसमें कैरेट का भी जूस मिला सकते हैं, और यानी कि गाजर का जूस भी मिला सकते हैं और अनार का जूस भी मिला सकते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लेवर्ड भी हो जाएगा, बच्चे आराम से पी सकेंगे, और उनके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि बच्चे, ग्रोइंग बच्चों में अगर लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो खाते पीते नहीं है, और उनका जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रह पाती। तो इन तीनों में से जो पेय आपको ईजिली अवेलेबल हो, जो ड्रिंक आपको आसानी से मिल जाती हो, वो आप लें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको लेने के बाद कैसा लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।